बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज एसबी किचन में बन रहा है स्पाइसी चिकन बिरयानी। बिरयानी के लिए 1 किलो सेंधा चावल 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे। 1.5 किलो चिकन मैं बिरयानी के लिए यूज़ करूँगी। आप लोग ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। और मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बिरयानी के लिए 1 कप ऑयल चाहिए। ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो अब हम इसमें प्याज़े ऐड करेंगे। प्याज़े गोल्डन ब्राउन करनी है हमें। ये मैंने 3 अदद प्याज ली है और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। जब ये प्याज़े फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, प्याज़े गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और इसे मैं अब प्लेट में निकाल रही हूँ। प्याज़े गोल्डन करने के बाद अब मैं ऑयल में ज़ीरा डालूँगी और गरम मसाला लिया है मैंने साबुत। लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च और इलायची। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे हल्का सा ब्राउन करना है हमें। इसे मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। अब मैं चिकन डाल रही हूँ और अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। चिकन मैंने लहसुन अदरक के साथ 5 मिनट फ्राई की है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर 1 kg। टमाटर डालने के बाद अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। मसाले क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है। इंशाल्लाह मैं आगे इसकी भी रेसिपी दूँगी आपको। ये पिसा हुआ गर्म मसाला डाला है हमने 1 टेबलस्पून और इसे आप अच्छे से भूनें। ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसमें नमक आ गया। और ये थोड़ा सा पुदीना है और ये 1/2 कप मैंने हरा धनिया लिया है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और चिकन गलने रख दूँगी 10 मिनट के लिए। मैं ये चिकन गलने रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें पानी को खुश्क करूँगी, उसके बाद मैं चावल डालूँगी। ये मैंने 1 किलो चावल जो भिगो के रखे थे 1 घंटा, अब मैं ये चावल इस मसाले में डाल दूँगी और अब मैं इसमें 4 ग्लास पानी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। हरा धनिया, पुदीना मैंने मसाले में भी डाला था 1/2 कप और अब मैं इस पानी में भी ऐड करूँगी 1/2 कप हरा धनिया और पुदीना। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें पिसी हुई डालूँगी 1 कप और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट। और अब और ये वही बिरयानी मसाला है जो मैंने शुरू में भी ऐड किया था और अब 4 टेबलस्पून मैंने अभी भी इसमें ऐड किया है। ये 1/2 कप है इमली का पल्प और ये भी हम पानी में ही ऐड करेंगे। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, बिरयानी का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें केवड़ा वाटर लेंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जर्दे का रंग लिया है। और अब मैं इसे बिरयानी पर डाल दूँगी। जर्दे का रंग डालने के बाद अब हम प्याज़े डालेंगे जो हमने गोल्डन ब्राउन की थी। 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टेबलस्पून पुदीना अब हम ऊपर से ऐड कर देंगे।